प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि आज से ठीक 8 साल पहले 29 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल लाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज 8 साल बाद भी जन लोकपाल का कोई अतापता नहीं है। उस समय बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जो बच्चा 10 साल का था वो आज 18 साल का हो गया है, वो भी आज पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आप वादा पूरा कब करोगे। गुप्ता ने 29 दिसंबर को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाने की बात करते हुए कहा कि जब ईमानदारी का ढोंग रचने वाली आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है। असलियत यह है कि उनके 24 विधायकों पर 87 मामले चल रहे हैं, जो जन लोकपाल के आते ही शिकंजे में आ जाएंगे। आज हुए एक संवाददाता सम्मेलन में आदेश गुप्ता ने कहा कि जब भी जन लोकपाल की बात होती है तो केजरीवाल सरकार यह कहती है कि उसने यह बिल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है, जबकि 2018 की आरटीआई में साफ लिखा है कि यह बिल माननीय उपराज्यपाल के पास गया ही नहीं, यह बिल दिल्ली सरकार की कानून मंत्रालय के पास है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, पिछले 12 महीनों से केजरीवाल सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति तक नहीं की। अपने को ईमानदार कहने वाली सरकार अगर पिछले 12 महीनों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करती जो भ्रष्टाचार की जाँच करता हो, तो समझ लीजिए कि केजरीवाल की मंशा क्या है। के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो सरकार में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आज से 8 साल पहले उन्होंने 29 दिसंबर को दिल्ली में जल लोकपाल बिल आ जाएगा ये वादा किया था और बड़ी मजबूती के साथ वादा किया था। और आज हम जब वो याद करते हैं तो हमें आदरणीय अन्ना हजारे जी की भी याद आती है कि वो आंदोलन उनके सानिध्य में शुरू हुआ था और जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो 29 दिसंबर का जब हम पोस्टर देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा जो 10 साल का था वो पोस्टर देख रहा है और उसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 29 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल लागू हो जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसमें दर्शाया था। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।